हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज 21 मई 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड। एक बहुत शानदार अपडेट आया है, एक बहुत शानदार मल्टीबैगर कंपनी का शेयर स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। तो देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक अनाउंस स्टॉक स्प्लिट इंटू 1:10 रेशियो। इसका मतलब आपके पास अगर कंपनी का एक शेयर है, वो स्प्लिट हो जाने के बाद आपके पास टोटल हो जाएगा 10 शेयर। तो कंपनी का नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का नाम है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। जैसे कि आपको मालूम है पावर सेक्टर का एक्सचेंज क्या है, IEX, ठीक वैसे ही स्टील सेक्टर का जो एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी ने 1:10 रेशियो पे स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। अब चलिए थोड़ा शेयर के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जो कि लास्ट डे ऑलमोस्ट 146 रुपये, कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव या महंगा शेयर नहीं है, सिर्फ 150 रुपये के नीचे शेयर का प्राइस है। 5 दिन की अगर हम बात करें, मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, तो शेयर के अंदर भी काफ़ी वॉलेटाइल हमें देखने को मिला। 1 महीने पे काफ़ी हद तक गिर चुका है, बट अगर आप देखोगे 1 साल पे करीबन 134% का रिटर्न भी कंपनी दे चुका है। लास्ट टाइम जब कंपनी के मतलब ये शेयर के अंदर जब तेज़ी हुआ था, ऑलमोस्ट जनवरी तक ये शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिला था, 250 तक शेयर पहुंच गया था। उसके बाद देखिए शेयर के अंदर लगातार कंसोलिडेशन फेज हमें देखने को मिला, और उसके साथ साथ लास्ट कुछ समय से मार्केट गिरावट के साथ साथ शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी हो चुका है। बट हाँ दोस्तों, साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि छोटा कंपनी है। देखिए इसका मार्केट कैप 1000 करोड़ के आसपास है, बट हाँ पी वैल्यूएशन भी बहुत कम है। अगर हम लॉन्ग टर्म का टारगेट की बात करें तो देखिए लॉन्ग टर्म में नो डाउट अच्छा यहाँ पे रिटर्न कमा के दिया, बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बार बार बताया था, स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर बहुत ही हाईली वॉलेटाइल सेक्टर होता है, ठीक उसका एक्सचेंज भी आप देख सकते हो इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिला, जिस वजह से आगे पीछे खुद एनालाइज करना, स्टडी करना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने का प्लान बनाना। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट में नेक्स्ट अपडेट है पावर सेक्टर का दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, जो कि लास्ट डे भी हमने देखा था शेयर काफ़ी ऊपर तक पहुंचा था, ऑलमोस्ट 234-235 तक पहुंच गया था। उसके बाद देखिए शेयर थोड़ा नीचे आके ऑलमोस्ट 2% ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो बात करेंगे आज की डेट पर जो अपडेट आया, सबसे पहले आपको अपडेट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो हेडलाइन है, एनालिस्ट सी बम्पर रिटर्न इन वोल्टास, शारदा कॉर्प चिम, उसके साथ साथ टाटा पावर अमॉन्ग अदर स्ट्रॉन्ग आउटलुक। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ शेयर्स के ऊपर आप बोल सकते हो कि रिटर्न्स अब बोल मत, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमाने का मौका है, साथ साथ यहाँ पे टारगेट प्राइस भी दिया है, जैसे कि शारदा कॉर्प चिम, वोल्टास हो गया, ठीक है काफ़ी हाई लेवल पे टारगेट दिया। और उसके साथ साथ टाटा पावर, देखिए NTPC इन्वेस्टर शुड होल्ड दिस स्टॉक, हाउएवर ही बिलीव्स टाटा पावर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन एंड सेट 316, मतलब आज की डेट पे अभी हमने देखा ऑलमोस्ट 230 रुपीज़ के आसपास शेयर ट्रेड करा है, और यहाँ पे दोस्तों जो बाइंग का लेवल दिया और जो टारगेट प्राइस सेट किया करीबन 316, जो कि कुछ महीने पहले भी हमने देखा था, ज़्यादा पुराने बात नहीं, 1.5 महीने पहले भी हमने देखा था टाटा पावर का शेयर ऑलमोस्ट 300 के आसपास पहुंच गया था, 298, जो कि अपना ऑल टाइम हाई टच किया। उसके बाद मार्केट गिरने के साथ साथ शेयर के अंदर भी भारी भरकम गिरावट हो चुका है। तो बेसिकली कंपनी का बहुत ज़्यादा फायदा है, जिस वजह से मैं भी इसको बार बार आपको रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए एक तो हो गया स्टेबल कंपनी, इस टाइप का स्टेबल कंपनी बहुत कम है पावर सेक्टर में, दूसरा हो गया कंपनी का जो बिजनेस है बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक सेगमेंट पे कंपनी का बिजनेस लिमिट नहीं है। कंपनी जैसे जैसे पावर ट्रांजेक्शन, जो कि ट्रांसमिशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल सेक्टर, और जो खासियत है कंपनी का वह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी लगातार काम भी कर रहा है, साथ साथ कंपनी को बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिल रहे हैं। तो ये चारों चीज़ कंपनी बहुत ही बाखूबी से कर रहा है, और साथ साथ कंपनी को अच्छा खासा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता जा रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इस टाइप की कंपनी आपको 4 डिजिट पर भी देखने को मिल सकता है, मतलब 1000 रुपये के ऊपर। बट हाँ, उसके लिए अभी थोड़ा सा आपको पेशेंस करना चाहिए, आपके पास अगर शेयर नहीं है तो यहाँ पर आप आराम से बाई कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट पे नेक्स्ट अपडेट है इंफोसिस लिमिटेड। तो लास्ट डे अगर हम बात करें, आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा गिर चुका था, उसके बाद धीरे धीरे अभी रिकवर करने लगा, जो कि लास्ट डे विप्रो के अंदर भी थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिला, इंफोसिस के अंदर भी ऑलमोस्ट 2% के ऊपर जाके क्लोजिंग डे इंफोसिस का शेयर ऑलमोस्ट 1459, जो कि कुछ टाइम पहले ही ज़्यादा पुराने बात नहीं, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1400 के एकदम बॉर्डर लाइन पर आ गया था। मतलब अगर हम बात करें, देखिए और अगर नीचे गिरावट होता ये 1400 का लेवल भी ब्रेक कर सकता था, बट अच्छी बात यह है इसका एक पुराना सपोर्ट लेवल था, जो कि इसके पहले भी मैं आपको बताया था कि 1400 अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हो 1400-1420 के आसपास एक बार सपोर्ट लगा था, इसके पहले काफ़ी पहले, मतलब 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि उस लेवल पे एक सपोर्ट भी आज के डेट पे लगा, जिसके बाद धीरे धीरे शेयर के अंदर मूवमेंट भी देखने को मिला। तो फिलहाल दोस्तों, न्यूज़ आपके सामने है, मैक्सिमम डाउनसाइड फॉर लार्ज कैप कुड 5-7%,
तो यहाँ पे जो एनालिस्ट का कहना है मिस्टर अरुण मल्होत्रा, यहाँ पे आप देख सकते हो एनालिस्ट एक्सपर्ट, इनका कहना है जो लार्ज कैप कंपनीज है, बड़े बड़े कंपनी स्पेशली यहाँ पे इंडिकेट किया है जो आईटी सेक्टर को, अब इतना ज़्यादा गिर चुका है तो अभी नीचे की तरफ मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो 5-7% के आसपास गिरावट हो सकता है, यानी कोई बहुत बड़ा अभी गिरावट बाकी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये सारे शेयर ओवरसोल्ड जोन पर आज के डेट पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बाइंग का रिकमेंड किया है इन्फोसिस और टेक महिंद्रा को टॉप बाइस, तो ये सारी कंपनीज दोस्तों इन फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। इसके पहले भी आपको बार बार बताया था कि इस टाइप की जो बड़े कंपनी ब्लू चिप शेयर आज की डेट में आपको गिरावट में मिल रहा है इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म का इस टाइप की कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न कमा के दे सकता है। अगर हम बात करें पैंडेमिक वाला ईयर, यहाँ पे आप देख सकते हो पैंडेमिक वाला ईयर पे जब शेयर के अंदर गिरावट हुआ था उसके पहले देखिए 800 रुपये पे चल रहा था, गिरते गिरते काफ़ी नीचे आया था 550, उसके बाद देखिए शेयर के अंदर जब रिकवर आया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यही होता है क्वालिटी शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो डेफिनेटली आपका शेयर है आराम से होल्ड कीजिए, नहीं है तो धीरे धीरे बाई करते रहिए। तो दोस्तों मेरे इस पर नेक्स्ट अपडेट है IEX, इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर भी लगातार हमें गिरता हुआ नजर आया था, पावर सेक्टर का एक्सचेंज। स्टार्ट करेंगे वीडियो को, बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो IEX के अंदर अगर हम बात करें, इवन लास्ट डे मार्केट रिकवर जहाँ पे हुआ था तो IEX के शेयर थोड़ा सा नीचे आके या तो आप बोल सकते हो एकदम फ्लैट में क्लोजिंग दिया था। 5 दिन का अगर हम बात करें शेयर के अंदर धीरे धीरे रिकवरी हमें देखने को मिला, इवन 1 महीने पे काफ़ी हद तक गिर भी चुका है। अब IEX का जो चेयरमैन है मिस्टर गोयल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ IEX के लिए नहीं पूरा पावर सेक्टर के लिए भी आप बोल सकते हो एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, जैसे कि पावर सिचुएशन इजिंग विल बी कम्फर्टेबल इन May to August। तो मतलब मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीना दोस्तों अभी काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा, साथ साथ सितंबर एंड नवंबर, मतलब हमारे यहाँ पे उस टाइम पे फेस्टिव सीजन रहता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर इवन दिसंबर तक भी रहता है, मई भी टफ अगेन, मतलब उस टाइम पे हमने सभी ने जानते हैं दिवाली वगैरह रहता है, यहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा भी रहता है, तो बहुत ज़्यादा बोल सो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है जिस वजह से वहाँ पे एक टफ सिचुएशन बन सकता है। तो इनका एकदम क्लियर कट यहाँ पे जो स्टेटमेंट आया है अभी जो नेक्स्ट 4 महीने ऑलमोस्ट आराम से यहाँ पे बोल सकते हो कि कंफर्टेबल, कोई बहुत बड़ा जो डिमांड वगैरह ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि लास्ट कुछ समय से हमने देखा था पावर सेक्टर के अंदर देखने को मिला। एक तो कोल का जो अवेलेबिलिटी है वो लगातार गिरता जा रहा है, साथ साथ अगर हम बात करें डिमांड आसमान छू रहा है, साथ साथ जो कोल प्राइस है कमोडिटी के अंदर वो भी एकदम आसमान छू रहा है, जिसके ऊपर बेस करके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि अगले मई जून जुलाई अगस्त तक ठीक ठाक आप बोल सकते हो कंफर्टेबल यहाँ पे सब कुछ डिमांड वगैरह रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे IEX के लिए भी अच्छा न्यूज़ है, साथ साथ पावर सेक्टर का जितने भी कंपनियाँ चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, अदानी ट्रांसमिशन से लेकर अदानी ग्रीन, सारे NTPC पावर ग्रिड सब कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। अगर हम बात करें शेयर का तो नॉर्डआउट 200 बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आराम से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, बट हाँ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी दिनों हो गया शेयर के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म में भी नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ऑलरेडी रिटर्न कमा के दे चुका है एंड इन फ्यूचर में भी देगा। तो दोस्तों मेरे इसमें लास्ट एंड फाइनल अपडेट है CDSL, एक मोनोपोली कंपनी IEX की तरह ही, तो CDSL के अंदर अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ चुका है, मतलब अगर हम बात करें कुछ दिन पहले भी ये शेयर करीबन 1050 तक पहुंच गया था, जो पे वहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट लगा और उसके बाद धीरे धीरे देखिए 5 दिन पे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। चलेंगे न्यूज़ पे, बट उसके पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दूंगा कि देखिए जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं पास में प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, क्योंकि इस चैनल का सिर्फ 1/4 सब्सक्राइबर ही इस बेल आइकन को प्रेस किया, जिस वजह से सारे सब्सक्राइबर के पास जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तुरंत नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता। दूसरी पॉइंट, अभी यूट्यूब का बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन आया है जो कि 1 दिन पे 3 से ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं भेजा, जिस वजह से मैं जब 6 वीडियो अपलोड करता हूँ 3 का ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता है, बाकी 3 का नहीं पहुंचता, जिस वजह से थोड़ा सा आप एक बार मैं बोलूँगा रात में एक बार जस्ट चेक कर लेना चैनल को कि कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर कौन कौन सी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CDSL के ऊपर यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आया है, वो भी HDFC सिक्योरिटीज़ की तरफ से, टारगेट प्राइस दिया है 1500 का, तो काफ़ी अच्छा सॉलिड टारगेट दिया। आज के डेट पर अगर हम बात करें तो शेयर प्राइस चल रहा है करीबन 1140 रुपये के आसपास, तो डेफिनेटली इसके पहले भी मैं आपको बार बार रेकमेंड किया था इस टाइप की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, आराम से कर सकते हो आपके पास अगर शेयर है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने देखा था शेयर काफ़ी ऊपर तक चल रहा था 1500 के ऊपर, तो यहाँ पे आप आराम से होल्ड कीजिए, कंपनी ख़राब नहीं है, सिचुएशन थोड़ा अगेंस्ट में है, जैसे ही मार्केट रिकवर आएगा शेयर के अंदर तुरंत आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।